बस अब बहुत हो गया। क्या हुआ? मैं खुद की कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब पर फर्नीचर, रेंट, पब्लिसिटी, इन सब के पैसे कहाँ से आएंगे? गूगल प्ले स्टोर से टीचमेंट ऐप डाउनलोड करो, बस। सिंपलिस्टिक सॉल्यूशन फॉर एनेबलिंग ट्यूटर्स टू इंटरैक्ट विद स्टूडेंट्स इन रियल टाइम। क्विक एक्सेस टू मैनेज एनरोल्ड स्टूडेंट्स। All your classroom tools in one place. Share assignments in a click. India's number one teaching app. Teachmint. Atmanirbhar Bharat ka apna app. Aasan hai. Download now. ऑल राइट, सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स वर्ज एंड स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू फ्रेश वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यार इम्पोर्टेंट होने वाली है हमारे NTA के जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनके लिए और जेई मेंस के एस्पिरेंट्स के लिए। अगर आपने वीडियो का थंबनेल देखकर इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या सच में जेई मेंस का जो पेपर है वो लीक हुआ है या फिर नहीं। तो देखो यार, इस पे जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी मैंने देखा कि एक स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया था और उसमें बताया कि देखिए सर, ये एक्चुअली पेपर ये लीक हुआ है या फिर जो भी इसका पूरा सिनेरियो है। और ये कोरा पे ऑफिशियली एक स्टूडेंट्स ने अपने प्रोफाइल पे ये मेंशन किया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो कुछ स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर हो रहे हैं बेसिकली इसमें बहुत तेज़ी से ये वायरल हो रहा है। तो क्या ये सही है या फिर नहीं? तो यहाँ पे देखो यार, बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि ये 100% रियल है और बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि ये फेक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मेन हमारा जो मुद्दा है, जो हमारा इस वीडियो बनाने का मेन पर्पस है, वो ये नहीं है यार कि ये रियल है या फिर फेक है, जो भी है एक्चुअली। ना ही हम किसी कोचिंग या फिर ऑनलाइन किसी इंस्टीट्यूट को यहाँ पे ब्लेम कर रहे हैं। जो भी मैटर है वो बेसिकली ये है कि NTA को इस पर एक अपना ऑफिशियल डिक्लेरेशन इस टाइम देना चाहिए, जिससे स्टूडेंट्स के मन में जो भी डाउट्स आ रहे हैं कि स्क्रीनशॉट सच में ये शेयर किया गया है या फिर नहीं, जिससे अगर NTA इस पर एक क्लेरिफिकेशन दे देता है तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी और उनका जो डाउट्स है इस समय वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। बाय द वे, NTA बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। आई डोंट नो कि किस टाइप के स्टूडेंट्स ने ऐसी हरकत की है और आई डोंट नो कि इसके पीछे किसका क्या हाथ है। अदरवाइज़ यहाँ पे जो इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पस है वो यही है कि NTA को इस पर अब ऑफिशियल डिक्लेरेशन देना चाहिए। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल माय व्यूअर्स एंड माय सब्सक्राइबर्स, सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर ऑल फ्रेंड्स, जिससे यार ये वीडियो एक्चुअली NTA तक पहुंच जाना चाहिए और उनको एक ऑफिशियल इस पर डिक्लेरेशन देना चाहिए, जिससे यार फालतू के ये भी जो भी मान लो यार, हो सकता है ये रियल ही हो, फेक हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इसका क्लेरिफिकेशन नहीं दे सकता। कुछ चीज़ें यहाँ पे हो सकता है या फिर एडिट की गई हो, जो भी यहाँ पे बेसिकली है, मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा NTA के जितने भी ऑफिशियल्स हैं कि उनको एक यहाँ पे क्लेरिफिकेशन, अपना ऑफिशियल एक नोटिस जारी करना चाहिए, जो भी बेसिकली यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, क्या ये पेपर लीक हुआ है या फिर नहीं। बहुत सारे स्क्रीनशॉट यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर हुए हैं। तो बस मेरा इस वीडियो बनाने का यही पर्पस है, बस। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। और हाँ यार, अपने एग्जाम पे अच्छे से फोकस करो। ये सभी मैटर मैंने ऐसे ही बना दिया है एक बार, जिससे NTA को भी इसके बारे में पता चल सके, अगर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ठीक है। तो आई होप कि यार NTA को इस पर ऑफिशियल एक डिक्लेरेशन, अपना एक ऑफिशियल नोटिस जारी करना चाहिए, जिससे सभी स्टूडेंट्स को इसके बारे में एक ओवरऑल आइडिया मिल पाए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड प्लीज़ कीप स्टडिंग, कीप सपोर्टिंग एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर मोर ऑफिशियल अपडेट्स एंड ऑल द बेस्ट।